गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 1 पेज नंबर 17 यानी 17 पार्ट 4 नाम वाले शब्द। इसे क्या बोलते हैं इसमें? नेमिंग वर्ड्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाम वाले शब्द किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान, हर किसी का अपना अपना एक नाम होता है और नाम के द्वारा ही उसकी एक पहचान होती है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान का एक अपना नाम होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्यक्तियों के नाम में जैसे कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, जिसमें चित्र में है संत मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, दलाई लामा, ये व्यक्तियों के नाम हुए। इसी प्रकार और भी नाम हो सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, इस प्रकार बहुत सारे नाम होते हैं। नाम के द्वारा व्यक्तियों की अपनी एक पहचान होती है। आता है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में लाल किला, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, ये सब जो है उनकी एक अपनी पहचान है और नाम के द्वारा हम इसे जानते हैं। उसी प्रकार रांची, पटना, दिल्ली, हर जगह, हर स्थान का अपना अपना एक नाम है, वही उसकी पहचान है कि ये इस जिसका क्या नाम है। उसी प्रकार वस्तुओं के नाम, यहाँ पे कंप्यूटर है, घड़ी है, गिलास है, तो कंप्यूटर के चित्र को हम लोग देख के जान जाते हैं कि क्या है, ये कंप्यूटर है। घड़ी को देख कर हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, ये घड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका ये नाम है। गिलास को देख कर समझ लेंगे गिलास है। गिलास कैसे जाने? क्योंकि इसका ये नाम है, यही इसकी पहचान है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, किताब, हर किसी का अपना अपना नाम है, उसी के द्वारा उसकी पहचान होती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ पशु पक्षियों के नाम है। जैसे पशु पक्षियों में क्या होता है? गाय, बकरी। ये गाय बकरी है जिसको हम लोग देखते समझ जाते कि गाय है और ये बकरी है। कोयल, मोर, इस सबको देख के हम समझ जाते कि ये कोयल है, ये मोर है, तो क्या है? नाम ही उसकी पहचान है। उसी प्रकार कुछ पेड़ पौधे के नाम है, जैसे नीम, पीपल, गेंदा। उसी प्रकार फलों के नाम, फलों की भी नाम, फलों होते फल जो होते हैं उसकी भी अपनी क्या होती है? पहचान होती है। आम, केला, सेब, अनार, ये सब भी हम लोग देख कर इसे जान जाते हैं कि ये आम है, ये केला है, ये सेब है, ये अनार है, तो ये उसकी पहचान है। उसी प्रकार अनाजों के नाम, चावल, गेहूं, बाजरा, चना। नदियों के नाम, गंगा, गोमती, कृष्णा, कावेरी। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। देशों के नाम, भारत, नेपाल, चीन, जापान। अब ये सब क्या है? ये सब इसकी पहचान है और नाम के द्वारा ही हम इसे जानते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति का नाम है, ये कौन सा स्थान है, ये कौन से वस्तु की कौन सी चीज है, इसके नाम के द्वारा हम इसे सब जान जाते हैं। इसी प्रकार चित्र में यहाँ पे अभ्यास में दिया गया है कि दिए गए चित्रों से उसके नाम से उसे मिलाइए। अब यहाँ पे रसोई घर है, कक्षा है, पोस्ट ऑफिस है, अस्पताल है। अब यहाँ पे चित्र में दिया गया है कि कौन सा रसोई घर है, तो हम किचन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है, मिक्सी रखी हुई है, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये किचन है, रसोई घर। इसी प्रकार कक्षा है, कक्षा में हम देख के उसकी पहचान क्या है? ब्लैक बोर्ड है, बेंच, टेबल, कुर्सी रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? कक्षा हो गया। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे लिखा हुआ है डाकघर, तो ये क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस हो गया। ये अस्पताल है, तो अस्पताल में देख के यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है, ये डॉक्टर की पहचान वाला, इससे हम आधार पर हमें बता सकते हैं कि ये अस्पताल है। तो इस प्रकार आप लोग इसे अपने बुक में से मिला लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि चिड़ियाघर का चित्र है, इसमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, इसके नाम लिखिए। इस चित्र में कुछ जानवरों के तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे आप अपने देखकर इसे आप अपने बुक में इसे आप नाम लिख लेंगे कि कौन सा जानवर है। यहाँ चित्र में हाथी दिखाया गया है, शेर है, हिरन है, बाघ है, ये सब इसे आप इसे अपने बुक में बनाएंगे। उसके बाद प्रश्न 3, जिसमें नीचे गए दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इस चित्र के आधार पर
आप फोटो देखकर इसे आप पहचान कर इसके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने घर के अंदर रखी चीजों के नाम लिखिए। आपके अपने घर के अंदर कौन कौन सी चीज होती है उसे आप इसमें बुक में ये सारा भरेंगे।